तो बाल ही कहाँ है लग रहा है कोई सोन पापड़ी छोड़ा के रख दिया है <laughs> सोन पापड़ी नहीं छोड़ा के इसे साट दो इसे आगे देखते हैं लोग चला खत्म हो गया बुरा। हम ही बोले हैं कब है? तो? अच्छा लड़का सबको परेशान कर दी इसलिए झड़ गया आप। अच्छा चलिए कोई बात नहीं नहीं परेशान कर लो बाल फिर से आ जाएगा हम लोग इससे चलिए देखिए हम लोग देखे थे शाहजहां का अंतिम समय जेल में बीता था अपनी पत्नी की याद में क्या बनवाए थे ताजमहल जिसका असली नाम मुमताज महल था मुँह हटा दिया गया ताजमहल हो गया अपने लिए ये काला ताजमहल बनाना चाहते थे लेकिन इससे पहले इनको जेल में डाल दिया गया बेचारा <laughs> तो का अंतिम समय बहुत कष्ट में बीता इसे इसके नौकर चाकर ने क्या किया था दफनाया था और इसके बेटे के बीच में उत्तराधिकार के लिए क्या हो गया युद्ध हो गया उत्तराधिकार के लिए युद्ध हो गया जिसे उत्तराधिकार का युद्ध कहा जाता है औरंगजेब के बाद मरने के बाद जो शाहजहां के मरने के बाद साम्राज्य लेने के लिए जो लड़ाई लड़ी गई उसे कौन सा युद्ध कहा गया कौन सा युद्ध उत्तराधिकार का युद्ध तब हुमायूं का सबसे पहले तो बाबर आया बाबर का बेटा हुमायूं हुमायूं का अकबर अकबर का बेटा जहांगीर जहांगीर बताइए इसमें सबसे ज्यादा लाल पीला हरा कौन करता था जहांगीर जहांगीर के बाद शाहजहाज शाहजहां के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब देखिए शाहजहां के अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो इसमें आपको सात बच्चे मिलेंगे कितने सात क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है तो यहां पर सबसे पहले मेरे दारा को दारा को दारा सिकोह सासूजा।, सा, सा, सासूजा मुराद और औरंगजेब मुराद औरंगजेब जहा नारा रोशन आ रहा गौहनारा जहा नारा रोशन जहा नारा रोशनारा गहनारा अब जहानारा जो थी ना वो औरंगजेब का दी थी जहा नारा किसका दी थी औरंगजेब किस युद्ध में उत्तराधिकार के युद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में जहानारा जो थी वो औरंगजेब का साथ दी थी हालांकि जहानारा का विवाह नहीं हुआ वो ऐसे ही रह गई हाँ वैसे रह गई वो गाना है ना मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया तो जहा नारा का विवाह है नहीं किया सर बताओ गलत बात है नहीं। कि नहीं कर देना चाहिए कही नेपाल के राजा से कर दो अच्छा उस लेवल पे एक बहुत दिक्कत भी आता है ना कि एक राजा का घर का है तो इधर उधर ब्याह नहीं कर सकता है बड़ा कठिन जीवन हो जाता है जितने हाई प्रोफाइल अब होते जाएंगे ना आपका पर्सनल जीवन उतना कठिन होते जाएगा और प्रोफेशनल जीवन आपका उतना ज्यादा जिम्मेदारी भरा हो जाएगा अब राजा है बिया है नहीं किया सब उसको कही खपा देता सर ईरान उरान ले जाके न नहीं नहीं तो बिहार में लेके आ जाता सर हाँ जहानाबाद आइए उधर उधरे एक खंवा देता जहनारा को तुम औरंगाबाद का है कर आगे बढ़ बढ़े औरंगाबाद भी है कहीं यो मत रह जाए ऐसे ही तो देखिए इसमें युद्ध होने लगा मुराद इस युद्ध में उतना इंटरेस्टेड नहीं था इस युद्ध में मुराद उतना इंटरेस्टेड नहीं था इस युद्ध में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड अगर कोई था दारा सिको औरंगजेब ये लोग ज्यादा इंटरेस्टेड थे दारा सिको का बेटा शाह सुलेमान 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 जो था मुराद उतना टाम नहीं कर रहा था लेकिन सासुजा कह रहा था कि हम गद्दी पे बैठेंगे बंगाल का एरिया मेरा होगा समझा गया तो इससे जाके युद्ध कर लिया सोचिए तो चाचा से अपने है। कि आप का देखिए बनेंगे? बनेंगे। तो इसमें युद्ध हुआ उत्तराधिकार का और चारों युद्ध कटरी की याद रखेगा बाघ सा देव क्या याद रखेंगे बाघ सा देव बाघ देव।, देव अब इसमें पहला युद्ध जो हुआ अंठावन में कब कौन है सोलह सौ सो अंठान पंद्रह सौ अंठावन अरे बो पंद्रह सो अंठावन में तुम लाएगा बाबर है पान। पान। में पानीपत का लड़ाई रहा सो अंठावन में तुम इतना जल्दी खत्म कर देगा तुम क्या समझ रहा है बिलार का वंश हो जैसा दस दस साल में वंश चेंज हो जाएगा नहीं ना होगा तो बताइए यहाँ हो गया बहादुरपुर का युद्ध बहादुरगढ़ बहादुरपुर का का युद्ध और घरमठ का युद्ध सामूगढ़ का युद्ध और देवराय का युद्ध तो पहला बहादुरपुर कौन सा युद्ध बहादुरपुर का युद्ध उसके बाद घरमठ का युद्ध घरमठ का युद्ध उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध सामूगढ़ का युद्ध और उसके बाद देवराय का युद्ध देवराय का युद्ध ये उत्तराधिकार के लिए कितने युद्ध गए चार युद्ध लड़े गए इस पहला युद्ध जो था ना बहादुरपुर का युद्ध इसमें सुलेमान ने किसे हरा दिया सासुजा को। सुलेमान ने हरा दिया सासुजा अब सोचिए सुलेमान जो था वो दारा सिको का क्या था बेटा हरा दिया किसको सासुजा, सासुजा को क्योंकि सासुजा क्या मांग रहा था बंगाल ता बंगाल हमारा हो जाएगा यहाँ पे मुराद अपने से साइड हो गया तब तक दक्षिण भारत में कौन था औरंगजेब दक्षिण भारत से औरंगजेब आ गया कहाँ कौन लड़ाई लड़ रहा है का क्या हो गया सबसे पहले तो शाहजहां को जेल में भेजो <laughs> मरल था ही नहीं बीमार पड़ल था और इसको घोषणा कर दिया सब कि हल्ला कर दिया था कर दिया से क्या हो गया मर गया जबकि हुमायूं मर चुका था तो हल्ला किया गया था कि नहीं मरा सोलह तो से सत्रह दिन तक क्या किया गया था छुपा के रखा गया था सत्रह दिन तक आई मर में नहीं गया था हल्ला कर दिया क्या हो गया मर गया यहाँ पे अब दक्षिण भारत से आ गया औरंगजेब अब देखिए यहाँ युद्ध चल रहा था यहाँ कौन था सुलेमान इधर से कौन आया था सा दोनों के बीच में युद्ध हुआ तब तक ये जीत गया सुलेमान नीचे से कौन पहुँचा औरंगजेब क्या से हम राजा बनते तो यहाँ पे सारा खेले गड़बड़ कर, कर दिया भाग यहाँ से राजा बनेंगे राजा घरमठ के युद्ध में किसको भगा दिया सासुजा देखते भाग गया सासूजा क्या हो गया सासूजा तो ऐसे भागेगा क्योंकि दारा से छोड़िए ना उसका बेटा से हार गया आई देखे के डरा गया मुराद कहा हम कि हमारा कहीं को लाहौर हर के कहीं गवर्नर को बना दीजिए लोग हम वही ठीक है पत्नी डरपोक थी गए नून रोटी खाएंगे लड़े न जाएंगे तो महिलाएं जो जीवन होती है ना स्टेबल तौर पे जीना चाहती हैं समझा गया कि नहीं उनकी लाइफ में ना एक स्टेबिलिटी बहुत मायने रखती है पुरुष में स्टेबिलिटी से कोई मतलब नहीं है जीवन में है कठिन उतार चढ़ाओ उनको थोड़ा तो सा ना लगता है कि लड़ाई झगड़ा नहीं करो रिस्क लेने की क्या जरूरत तो उनको ना लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी चाहिए क्योंकि तो घर परिवार इमोशन से चलता है और वो घर परिवार में ज़्यादा रहती हैं तो इमोशन में ना स्टेबिलिटी बहुत होना चाहिए पुरुष बाहर रहता है बाहर में ना उसको इमोशन स्टेबिलिटी देखा है समाज में उतार चढ़ाओ ए टू जेड उसको उतना नहीं होता है रिस्क ले लेते हैं यहाँ पे लड़की लोग बताओ गलत बोल रहे हैं अच्छा अच्छी बात है स्टेबिलिटी अगर फैमिली देखनी है तो स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है तो पैसा कमे रहे शांति से जीवन बीते है ना इसलिए फिल्म उल्म में भी देखिएगा ना कोई हीरो रहेगा वो गुंडाई करेगा आप पैसा वैसा कमाएगा तो हीरो का छोड़ दो हम लोग कहीं जॉब करेंगे लोग हाँ अब वो छोड़वा दौड़वा के कहीं जॉब वॉब कराएगी तो दिखाएगा वो मजदूरी कर रही है मजदूरी कर रहा है खूब बढ़िया से टिफिन लेके आ रही है देखना नहीं सब फिल्म में यही सब दिखाता है हम अब खड़े सामने पूछेगी क्वेश्चन बनल है हट जाओ तब ना बताएगा कैसन बनल था बोलती है तो

औरंगजेब ने कहा कि देखो दारा को हट जाओ गद्दी हमें चाहिए नहीं तो चाहे जय को युद्ध लड़ना पड़ेगा लड़ लेंगे तो दारा सिको ने कहा कि हम बड़े हैं हमें लघु अकबर कहा जाता है द्वितीय अकबर नहीं द्वितीय अकबर किसे कहते हैं फिरोसा तुगलक द्वितीय अकबर और छोटा अकबर दारा सिको लघु अकबर दारा सिको तो घरमट का युद्ध हुआ कौन युद्ध हुआ घरमठ का युद्ध हुआ घरमठ के युद्ध में औरंगजेब ने हटा, हरा दिया किसे दारा। लेकिन बड़े भाई होने के कारण उसकी हत्या नहीं किया। फिर महीना बाद चढ़ा दिया किसको मारिए इसको। मारिए औरंगजेब को तो औरंगजेब के साथ फिर युद्ध हुआ सामूगढ़ का युद्ध फिर औरंगजेब ने किसे हरा दिया तारा सिको को औरंगजेब की पत्नी समझा रही थी कि देखिए लेट है ना मारिएगा नहीं <laughs> ठ ना लगेंगे जी औरंगजेब की पत्नी कह रही थी सुनिए ना जी यहाँ पे समझा दे हम आपको इसकी पत्नी कह रही थी औरंगजेब से औरंगजेब की पत्नी से समझा दीजिएगा अपने बुढ़ाऊ को मार मत दे समझा रही थी कि मत मारिए दारा सिंह को जेठ है पाप पड़ेगा ये हो कहा ठीक है छोड़ देते आमुगढ़ का युद्ध हुआ इसमें फिर औरंगजेब ने हराया दारा सिंह दारा सिंह को माफी भी मांग लिया औरंगजेब की पत्नी भी आई कही कि समझा दीजिए इनको अपने बुढ़ाऊ को तो, तो निपटा देगा हमारा बुढ़ो कोई ठीक नहीं है तो सारा समझा हम जाके दारासी को चला गया शांति से फिर को दारासी को को चढ़ा दिया एक साल बाद फिर चढ़ा दिया यहाँ पे तो फिर आया किस युद्ध में देवरा के युद्ध किसमें देवरा के इस बार औरंगजेब अपनी पत्नी के सुनबे नहीं किया मार दिया जो जो यहाँ से भाई यहाँ से तो टंकी बार 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 मार के आया अकार आई जेठ गई लो आगे बार बार समझा रहे थे कि नौटंकी मत कर फाइनल समझाया था उसने सामूगढ़ के युद्ध में तो और दारासी को रेडी हो गया था कि हम सत्ता छोड़ देंगे लेकिन सामूगढ़ के युद्ध के बाद दारा कंट्रोल हो गया कि क्या कि अब हम सत्ता नहीं लेंगे और औरंगजेब ने अपना राज्यभिषेक भी, भी करा लिया सोचिए राज्यभिषेक भी, भी करा लिया एक साल बाद फिर युद्ध पे उतर गया वो दारासी को तो अब कहा कि अब ना सुन तो क्यों क्यों मार दो इसको मार दिया वहां अब फिर राज्य अभिषेक कराया दो बार राज्यभिषेक कराया कर तो कितनी बार दो बार राज्यभिषेक कराया समझ में आ गया नहीं गया तो औरंगजेब ने कितनी बार राज्यभिषेक करा दिल्ली सल्तनत में हम आपको पांच वंश बढ़ा दिए उसमें कौन सा राजा था जो दो बार राज्यभिषेक कर फिरोसा तुगलक फिरोसा तुगलक तो दिल्ली सल्तनत में फिरोसा तुगलक और मुगल सल्तनत में औरंगजेब कितनी बार राज्य अभिषेक दो बार किस राजा के मृत्यु के बाद या अंतिम समय में उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ था साजा। कितनी उत्तराधिकार की युद्ध शॉर्टकट में क्या कहेंगे बागसाद, बहादुरपुर धरमठ सामूगढ़ और देवरा ये तीनों लड़ाई जो हुई वो अंठावन में हुई सोलह सौ अंठावन अब वो हो गया उनसठ लास्ट वाला उनसठ तो सोलह से लेके और सोलह सोलह से लेके कर सोलह इसके बीच में कितनी लड़ाइयाँ लड़ी अच्छा शुरुआत की तीन लड़ाई सोलह अंठावन और अंतिम लड़ाई अंठावन में भी एक बार रजाभिषेक कराया और उनसठ में भी रजाभिषेक कराया औरंगजेब बैठ गया गद्दी पर साइड कर दिया दारा सिको को हालांकि दारा सिको धार्मिक रूप से सहिष्णु था वो वेद और पुराण का फारसी में अनुवाद करा रहा था इसे लघु अकबर कहा जाता था लेकिन दारा सिको एक राजा से ज्यादा एक साहित्यकार की भूमिका में आ गया था और वो राजा कौन चीज जो अपने परिवार को ना कंट्रोल कर पाया साम्राज्य कंट्रोल करना बड़ी तो बड़ी मुश्किल था समझ आगे कि नहीं आ गया राजा जिस दिन हथियार त्याग देगा कितना भी बड़ा सिंहासन हो जाए वो बिखर जाएगा अशोक ने क्या किया अरे भाई नहीं लड़ना था मत लड़ो ना घोषणा का करते कि मैं कभी युद्ध नहीं लड़ूंगा हाँ तो क्या दिक्कत है इल्तु तमिश तो ने भी रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था किया था कि नहीं किया था होता है ये चीज़ समझा क्या शाहजहाँ तो ने भी दिया शाहजहाँ को तो अपने जेल में डाल दिया जेल में नहीं डाल, डाल दिया था चलो टुकु टुकु देखता था ताजमहल बनवाए थे बहुत खराब लाइफ होता है ये लोग राजा वगैरह का जीवन बहुत खराब होता है मतलब आपको जो पाँच साल में टेंशन मिलता होगा ना पाँच साल के संपूर्ण टेंशन को उन सो एक हफ्ता में होता टेंशन होता तो आपका टेंशन आपके लेवल का छोटा मोटा टेंशन और उसका टेंशन उसी के लेवल का अब आप सोचिए ना मोदी जी का टेंशन कैसा होगा कि बिजली नहीं आ रही है टाइट कट गया है जाम लगल है जाम फेल हो ये सब टेंशन रहेगा लेबर चेंज कर दिया रेलवे में वैकेंसी कम कर दिया कहाँ होगा साढ़े पांच हजार वैकेंसी तब तो उनको टेंशन हो होगा उनको तो टेंशन भी होगा उन्हीं के लेवल का ये पकड़ लोग तो इटली के उनमें इतना ना ट्रोल कर दिया सब उनके तो हाँ सोशल मीडिया का ये बहुत खराब इंपैक्ट है ये धंधा क्या किन्हे आ गया डर इस बात का कहीं YouTube बंद मत करा दे तो गधा कहीं <laughs> इसका इसका क्वेश्चन है खतरनाक रहता है ठीक कह रहा ठीक कि तो किया उसको जेल में डाल दिया नहीं तो जिसको देखो उसमें उसको मुमताजे नजर आती थी <laughs> सब दासी भाग जाती थी <laughs> इसका क्वेश्चन हमेशा उठ रहता है कह रहा है कि शाहजहां को जेल में डाल के ठीक किया गया था उसको जिसको देखो मुमताज नजर आती थी ऐसा कुछ नहीं होता बाबू समझा गया ये सब देखो इंसान की खासियत होती है वो कितना भी तकलीफ में हो वो उस तकलीफ के साथ जीना सीख लेता है समझ आ गया एक साल के अंदर ये जितना जो विद्यार्थी लड़का लड़की यंग एज में रहता है सुसाइड कर लेगा ये सब कर लेगा एक साल रोक दीजिए एक साल के अंदर अंदर वो जीना सीख लेगा समझा कहे कि नहीं आगे गाना सुनना छोड़ दे पुरान पुरान दौलत को खखोर खो, खो, के फिर लहका देता है और एक से अच्छा आप लोग को एक्चुअली क्या है ना कि आप लोग मतलब हर चीज़ की एक पढ़ाई होती है उसी तरफ फिल्म की भी एक पढ़ाई होती है कि कैसे अपने उसमें ना इमोशन को मतलब व्यक्त किया जाए गाना वाना में देखिए अजीब अजीब गाना गाएंगे से एकदम सैड सॉन्ग एकदम मतलब पूरी तरह से उसमें ये तो इस, तो इस एज में ना आपको अच्छा कोनो लात खैले तो सुन रहा है तो समझ में आ रहा है को बिना लात खेले प्री प्रिपरेशन कर रहा है कि हमको जाना इसी फील्ड में लात खा के आएंगे सब नहीं रखो जॉब हो जाए अपने अपने एरिया में चले जाओ उस कैडर में देख लेना नहीं समझे अब आप सपोज कीजिए कि आप इधर सिलेक्शन हो गया आपका आप इधर बन गए एसडीएम डी एम हो गया आरपीएफ में कोयम बटूर लो अलग अलग डिपार्टमेंट हो जाएगा इसलिए सब चीज़ चक्कर में मत रहिएगा और गाना वाना में ना बहुत चढ़ा बढ़ा के बोला जाता है सब मैं आगे गिना गया एकदम उम्र भर याद करेंगे दूर सोचा तो नहीं थोड़ा मैट्रिक का एग्जाम भुला गया होगा सिलेबस थोड़ा तो उम्र भर याद करेंगे आप याद है हाँ चांद के पारे जाएंगे सोचा नहीं जहाज में जिला पे एक बार टर्बुलेंस होगा ना भगवान उतारती हो ना जी तो चांद के पार मौसम बहुत खराब है उतार दो भगवान पे का सिलेबस भूलने वाले सब कहेगा से जिंदगी भर याद करेंगे तुमको आ? कोई किसी का साथ जिंदगी भर नहीं देता है अंतिम समय में जब लोग किसी का जनाजा भी ले जाते हैं ना तो कंधे बदल बदल के ले जाते हैं जबकि पता है आखिरी से लेकिन क्या कीजिएगा आप होता है ये सब चीजों से अभी यंग एज है ना आप लोग का इस एज में या तो अपने आप को कंट्रोल कीजिए और नहीं तो भगवान से दुआ कीजिए कि बढ़िया से लात खा जाए हाँ अगर ये सब लाल पीला हरा के चक्कर में जो एक बार बढ़िया से लात खा लेगा ना जिंदगी भर के लिए अरे बाप हो बा अब तो इतना हिम्मत न ढेल होकर समझ में आ गया कि नहीं आ गया लेकिन दिक्कत क्या होता है बढ़िया से लात नहीं खाता है नहीं समझे आधा अधूरा लात खाएगा तू लात खाओगे फिर जोरन भर बच जाएगा तुम चालू करेगा एकदम एकदम बढ़िया से लात खाए एकदम आगे बढ़े लात का कर... लात खाना मतलब क्या होता अरे तू तो पहले आते लात खाएगा तुम्हें भाई से पकड़ल कहीं का आगे बढ़े किसी को दिक्कत हम कौन स... जी कहता है सात साल बाद लात खाए थे तब तो, 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 तो तुम पक्का सुधर गया होगा अरे बाप हो बाप एकदम ही सुधर गया मोक्ष मिल गया होगा इसको आगे बढ़े तो उत्तराधिकार के युद्ध के बाद राजा कौन बन गया औरंगजेब कितनी बार राजा अभिषेक करा औरंगजेब की माता मुमताज अरे भाई माता वही ना रहेगी ताजमहल वाली औरंगजेब औरंगजेब इसकी माता का नाम मुमताज इसकी माता अच्छा ये बताओ मुमताज की बुआ कौन थी नूरजा मुमताज की बुआ दोनों ही चाची भतीजी जो बुआ भतीजी के साल के अंतर में ब्याह की थी सर ग्यारह बारह सोलह सो ग्यारह में मुमताज नूरजहा सोलह सो बारह में मुमताज आ गया हालांकि नूरजहां सोची थी कि मुमताज से बिया करा के शाहजहां को कंट्रोल करेंगे वो अपने खतरनाक निकल गई मुमताज आगे बढ़े तो औरंगजेब की माता मुमताज तो इसकी माता हो गई मुमताज बाप का तो पते है माता मुमताज मुमताज जबकि इसका ज्यादातर पालन पोषण जैसे अकबर का पालन पोषण धाय माने किया था ना महामनगा उसी तरह तो मेकअपे में परेशान रहती थी अपने मुमताज जो है ना हम अपने मेकअप में परेशान रहती तू तू रोक रहा दुनिया तो तो भर के रोक हाँ? तो इसका पालन पोषण किसने किया नूर जहा जा। किसने किया नूर अरे इसे कहीं बिंदु रहेगा जहां से लगा देना अरे तुम हंसता क्यों है यहाँ पे मेकअप जरूरी है ना किसको लिख रहे हो पता नहीं है नूर तो लिखावट में भी सुंदरता झलकनी चाहिए नहीं झलकनी चाहिए आगे बढ़ते हैं तो किसने पालन पोषण किया नून अब समझ में आ गया औरंगजेब में इतना ये सब कहां से आ गया था ये सब चीज पालन पोषण का असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना इस कौनमर बहुत सी पूरे मुगल काल की सबसे खतरनाक महिला कौन थी नूरजहां जोने जेल में फंसी थी बंद थी जेलर जेलरवा को फसा के छोड़ा दी नहीं समझा잖아 तो समझो देखा कौन जहांगीर जहांगीर का वहीं हार्ट अटैक हो गया मर गया जहांगीर कहा की बताओ ये जेल से छूटने खाती होकर देख के मुस्कुरा रही है तो इसका पालन पोषण औरंगजेब का किसने किया नूरजहां औरंगजेब जब गद्दी पे बैठा तो इसने क्या किया धार्मिक कट्टरता इसने बहुत ला दिया धार्मिक कट्टरता के वजह से औरंगजेब को हमें कट्टर का मतलब क्या होता है कि अपने मानिए दूसरे को उतना महत्व नहीं मतलब अपने प्रति कुछ ज्यादा ही कट्टरता समझ में आ आ कि नहीं गया कट्टरता ला दिया यहाँ पर और कई मंदिर को इसने तोड़ने का आदेश दे दिया था उस क्रम में उसने केशव नारायण मंदिर को तोड़वाया जो बनाया था वीर सिंह बुंदेला किसने बनाया था वीर सिंह बुंदेला अब आपको अगर आइडिया हो तो आप याद कीजिए अखब बा, बाबर के बाद हुमायूं बना हुमायूं के बाद अकबर अकबर का सबसे भरोसेमंद आदमी था अबू फजल और अबू फजल जब जहांगीर को समझाने गया था तो जहांगीर ने बीर सिंह बुंदेला को कहा था कि अबू फजल को मार दो तो बीर सिंह बुंदेला किसका मित्र था किसका मित्र था जहांगीर का मित्र उसी क्रम में उसने केशव नारायण मंदिर को तोड़वा दिया जिस कारण जाट लोग ने हरियाणा के पास जाट सम लोग मिलेंगे यहाँ तो जाट लोगों ने विद्रोह कर दिया औरंगज़ेब के खिलाफ और ये विद्रोह बहुत लंबा चला ने चालू किया फिर ने चालू किया ये कई विद्रोह को चालू किया राजा राम ने क्या किया औरंगजेब को कहा कि तुमने धार्मिक आस्था को ठेस नहीं तो मंदिर नहीं तोड़ना चाहिए रूप हम तुम्हें बताते तो राजा राम जो जाट साम्राज्य में विद्रोह कर रहे थे औरंगजेब के खिलाफ सिकंदरा चले गए गए गएरा में सिकंदरा में किसका मकबरा अकबर का मकबरा है सिकंदरा में अब वहां पे जाके जा अकुदारी बेल ले के अकबर का कबर तूर दिया और जो हड्डी उड्डी बचल था अच्छा उतना लंबे समय तक हड्डी उड्डी तो बचता नहीं है दो चार साल में सब गल जाता है चार साल पांच साल जो भी लगता है जो बचा हुआ

लेकिन धार्मिक आस्था पे कभी किसी धार्मिक चीज़ों पे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए तो अच्छा लग रहा है धार्मिक चीज़ें वो मान पर तो अगर कोई धर्म खराब रहे आपसे ज्यादा पावरफुल ऊपर वाला है आप जिस भगवान को मानते हैं आपसे ज्यादा पावरफुल है इतना दिन गिर गया कि आपसे अपना काम कराएगा हा? तनी वो हाँ तनि से बुखार लग जाता है ध्यान भगवान को याद करने लगते हैं तो ये कभी किसी धर्म के पास धर्म देखिए धर्म और विद्यालय एक ही शब्द पे आगे जाएगा कि कैसे लोग हैं अगर किसी विद्यालय में अकलेल बकलेल ज्यादा जाएंगे ना विद्यालय चौपट हो जाएगा और किसी भी धर्म में अगर अकलेल बकलेल ज्यादा घुस गए तो धर्म चौपट हो जाएगा आप देखिएगा यहूदी कोनो अकलेल बकलेल उसमें नहीं मिले छोटी कॉम है यहूदी लेकिन बेहतरीन का एम्स देखिए दिल्ली एम्स चालीस गो सीट पे देता है आप समझ रहे हैं तीस लाख फॉर्म भरिएगा नीट वगैरह करना तो चालीस गो को लेगा दिल्ली एम्स इतना टफ लेता ले होगा तो वहाँ अकलेल पकड़ेल को लेवे नहीं करता है तो दिल्ली एम्स आज कहाँ है टॉप पे तनी सरकारी स्टूडेंट को ले लेना इंटर पास करके ले ले वहाँ पे वो ऑपरेशन करेगा सब जो बिना इंट्रेंस ले ले कहीं से भी गाँव से उठा ले जो चलो एम्स में पढ़ा दे ऑपरेशन करके निकलेगा तो कौंची अंदर ही छोड़ देगा सर पेशेंट को चलने में दिक्कत होगा तब तो पता है कंटिया छूट गई तो किसी भी देखिएगा धर्म में ना जब बहुत रेपिडली ग्रोथ होता है किसी भी धर्म का ना बहुत तेजी से लोग उसे अपनाते हैं इसी क्रम में क्या होता है ना कि कई सारे अकलेल बकलेल घुस जाते हैं कोई भी धर्म को नाश देंगे आप भारत में देखिए लोग कितने कम हैं लेकिन हर बड़े पद पे आपको मिलेगा पारसी धर्म के लोग सिख धर्म के लोग सिख धर्म कौन सा बहुत ज़्यादा हैं लोग बहुत ज़्यादा तो है नहीं सिख धर्म एक परसेंट डेढ़ परसेंट के आसपास एक से डेढ़ परसेंट लेकिन उन लोग क्या है कि अभी वो सब बिजनेस अपना करते हैं ईमानदारी से काम करते हैं जहाँ भी धर्म में आपके संख्या बढ़ाने के चक्कर में जाइएगा संख्या तो दस साल पचास साल में तो बहुत तेजी से बढ़ेगी लेकिन इसका दुर्भाग्य क्या होगा कि अकेल बकलेल जैसे घुसेगा सब धर्म में दो तो साल तीन साल बाद वो बकलोलों की एक पूरी फौज तैयार होगी बिना मतलब बात बोलने लगेगा समझ में आ आगे कि नहीं समझदार इंसान कभी उतावला नहीं होता समझे और राजनीति प्रेम और धर्म कोई समझा रहा है तो असली मत लीजिएगा उसको तो आपके कितने भी लॉजिक देने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला वाले तो आराम से बात बोलिएगा निकल दीजिएगा अपनी बातें अगर रखनी होगी तो रख लीजिएगा बट इस उम्मीद में मत रखिएगा कि वो आपके विचारों से सहमत होगा कभी तो नहीं होने वाला है ये सब चीज़ अब देखिए किसी भी जगह पर तीन चीजों में किसी का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए दुनिया का कोई आदमी तीन समझाता मुमताज शाहजहां को कि मुमताज के लिए मत बनवाओ ताजमहल कुल पैसा खर्चा हो जाएगा पता एक रो जुड़वा दो इसी बली दिला खसी की जगह यही जाएगा यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है किसी को दिक्कत तो ज़्यादा समझाना चाहिए स्वामी विवेकानंद जो थे ना एक बार गए थे अमेरिका पूरा वहाँ धार्मिक सम्मेलन में शिकागो में अमेरिका में तो वहाँ पे क्या हुआ ना एक व्यक्ति था इनको नीचा दिखाने के लिए सभी धर्म ग्रंथों को रखा और बाइबल को एकदम नीचे रख दी ए, गीता को एकदम नीचे रखा बाइबल को एकदम ऊपर रखा कहा कि देखिए ये है फिर कहा कि कानंद कुछ बोल ही नहीं रहे थे हाँ ठीक है सारे धर्मों की किताबें हाथों सबसे ऊपर बाइबिल है क्योंकि स्थान ऊपर है सबसे नीचे उनको जलाने के लिए गीता रखा था कि खिरक जाएंगे भड़काता है सब तो स्वामी विवेकानंद कह के रूप तो बतैतोम हम। लहराएगा हमको कहेंगे देखो ये हल्की चीज होती है ना खासा बिल्डिंग को तो सजाया जाता है तो जो सबसे मजबूत बुनियाद होती है ना सबसे मजबूत बुनियाद उसको नीचे रखा जाता है ताकि सबका लोड रोक सके बाकी धर्मों के बारे में कुछ कहा ही नहीं कुछ कहा ही नहीं उन्होंने उतने भी वो लहर गया वो लार गया वो लेकिन वही अगर अक्लेल बक्ले तक ना हमारे ऊपर तो गीता तो कोना बेचारा लार गया उसको चल गया वहां पे तो जितने अच्छे लोग रहेंगे ना धर्म में धर्म तो भले मानने वालों की संख्या कम रहेगी बहुत आगे जाएगा अक्लेल बक्ले लोग क्या बकले करेगा सब तो कुछ नहीं जानेगा वो ज्यादा चिल्लाने लगेगा समझ तो में आ गया कि नहीं आ गया आगे पड़े तो इसने नूर ने इसका पालन पोषण किया धार्मिक रूप से काफी ज्यादा क्या था कट्टर था कहा कि कोई संगीत नहीं सुन सकता है बताइए का है का कोई वीणा बजा दिया ही सारंगी तासा का सब प्रतिबंध लगा फाड़ देंगे ढोल की तरह खोपड़ी तुम रहे कोई ढोल तासा नहीं फूल बेचारा संगीतकार से उनका रोजगार होता है वो उस समय क्लास वगैरह थोड़ी थी संगीत एक रोजगार होता तो बेचारा भाग गया सब वहां से कहा कि चलो अब कहीं यहाँ पे चित्रकार था सब एक से एक फिर <laughs> तो आप पेंटिंग बना के माला टांग देंगे एच में एकदम दोनों <laughs> तो पेंटिंग बना दिया मुगल चित्रकार भाग के आया सब पटना कहाँ आया सब पटना तो हर जगह की अलग चित्रकारी होती अब जैसे यहाँ पे जो आप छोला बनाइएगा और दिल्ली में जो छोला बनेगा दोनों में अंतर है वहाँ एक पंजाबी स्टाइल में बन जाएगा तो जो चित्रकार वहाँ से भाग के कहाँ आया सब पटना पटना में पहले से पेंटिंग चल रही थी और उधर से कौन चलाया ऐसा मुगल और दोनों का मिक्स हुआ और धीरे धीरे एक नई कला विकसित हुई पटना कलम शैली क्या चल हो गई पटना कलम ये बी पी में पूछा हुआ एंस में पटना कलम शैली का विकास कैसे हुआ तो वहाँ से भगा दिया का कोई चित्रकार संगीत सब कुछ नहीं रहेगा कोई झरोखा दर्शन नहीं रहेगा कोनो झांक दी अपनी पत्नी को कहा कि झाँक देने रेलिंग पे चढ़ के झरोखा दर्शन उलाट दे तो नीचे वहाँ ना हो इसकी पत्नी का नाम रजिया दुरानी है, रजिया भी भी या दिलरास बानो बेगम रजिया बीविया दिलरास बानो बे दिलरास बानो बे औरंगजेब का पूरा जीवन संघर्ष और युद्ध करते में रह गया पूरी जीवन राजा बनने से पहले राजा बनने के दौरान और राजा बनने के बाद हमेशा युद्ध करता ही रहा शाहजहां ने इसे दक्षिण भारत जीतने की जिम्मेदारी दी थी दक्षिण भारत मुगल हो या फिर कुछ भी वो हमेशा से उत्तर भारत के कंट्रोल में है रहा ही नहीं है तो राजा बनने से पहले भी संघर्ष कर रहा था राजा बनने के दौरान उत्तर अधिकार की लड़ाई में लड़ा और राजा बनने के बाद भी संघर्ष करते रहा संघर्ष करते रहा उधर पत्नी करिए है कि आप कैसे आदमी हैं हमारे ससुर को देखिए शाहजहाँ को ताजमहल बनवाए हैं हमारे लिए भी ताजमहल बनवाइए हमारे में कोई कमी है एक तो जब कोई बात बोलता है दिमागे लहर जाता है नहीं समझ दुनिया का कोई आदमी ऐसा हो सकता है आदमी या औरत कोई भी जिसके अंदर कोई कमी ना हो सबके अंदर कमी है अब ये जब कोई बात बोलता हमरे में कोई कमी है दिमाग में लहर जाता है एकदम हुआ हुआ फेंक देता है इधर से इधर आप बताओ लड़की या लड़का कोई भी ऐसा कोई है जिसमें कोई कमी नहीं है तीन तो चार चीज आदमी मेरे में क्या कमी है ये वो पे लहर जाता है दिमाग हम किसी से कम दुनिया का हर इंसान में कोई ऐसी चीज़ है जो दूसरों में नहीं है सब में अपना है और एक वो नहीं होता है सर कुछ बोल गलती करेगा साहब बोल दीजिए तो दो दिन मुँह फू ले रहेगा सर नहीं समझाएगा एक से एक ऐसा आदमी से तो हम खाना नहीं खाएंगे तो हम तो तारीख पूछते हैं कि आज नहीं खाइए कल कल भी नहीं खाएंगे परसों नहीं खाएंगे अब फिर हल्ला कर देंगे देखिए तीन दिन तक इन्होंने प्रण लिया है खाना नहीं खाने भार मोहल्ला मतलब तीन दिन तक पक्का उनको बिना खिए रख देगा आदमी क्यों क्योंकि तीन दिन तुम जग के चार आदमी को लगा के ओकरा भूखले छोड़ो नहीं तो फिर पूरा जीवन भर तुमको मनाना पड़ेगा खाना खा लो खाना तीन दिन बाद माइट्रो जवाब देगा अगर छोटा खाना खा ले कौ गड़ी तो हम एटीपी पर हम माइट्रोकांडिया तो यहाँ पर उसके बाद लहर जाए एकदम यहाँ पे समझा गया बिना मतलब ये सब चीज नहीं गलती है उसको सुधार लो नहीं समझे औरंगजेब की पत्नी जबरदस्ती क्या बनवाई ताजमहल तो ई क्या क्या अब गुसिया के का देख रही है घुसिया के देख रही है। <laughs> आप लोग को बताए ना हम क्या करना है हा? भूखे नहीं छोड़ना है हल्ला कर देना है शपथ <laughs> लिया इन्होंने लिखना करेंगे <laughs> और क्या पढ़ाई तो है ना आप लोग को सनलेखना <laughs> संलेखना से तंजा पहले सब लोग को 40-50 आदमी को मिला के पूरा अनुष्ठान करके फिर खाना पीना खिला दीजिएगा आज से अब ये खाना पीना शुरुआत कर दिया हम <laughs> मजा आलोक बात को खुशी आ जाए चलिए <laughs>